टेंथ इलेवेंथ या कई बार इंजीनियरिंग में भी, तो पेपर के ऊपर बच्चे कई बार श्री गणेशाय नमः और जय माता दी लिखते हैं हर पेज के ऊपर। मैं नहीं लिखता था क्योंकि मैं भगवान में मानता नहीं था। मेरे मदर मानते हैं और कहते हैं कि भगवान लाइफ देता है। मेरी एक लाइफ थी, वो खत्म हो गई। उसके बाद मेरे को लाइफ श्री सोमेश गोयल सर ने दी, तो मेरे लिए तो यही मेरे भगवान है आज के और मतलब हमेशा। एक मतलब मुझे अपनी जिंदगी मतलब मैं रिकॉल करता हूँ तो 20 ईयर तक मैंने लाइफ में हार नहीं देखी थी। मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मतलब ब्रिलियंट था, ऑसम था। मैथमेटिक्स ओलंपियाड में 3rd रैंक लाया था, ऑल ओवर इंडिया IIT क्वालिफाई कर लिया, कंप्यूटर्स में बेहतरीन था रुड़की में। मतलब IIT सीनियर्स बोलते थे कि तू कुछ करेगा, मतलब हर जगह मतलब यही नाम था मेरा। एरोगेंस आ गया था मेरे अंदर, मैं कहता था मैं कहीं भी हाथ डाल दूंगा सोना निकलेगा। मेरे पास लोग भी थे, फ्रेंड्स भी थे मेरे काफ़ी जो सीनियर थे। रिकॉल करता हूँ कि मेरे हमारे 5 फ्रेंड का ग्रुप था, तो उसमें से 3 मतलब 3 IPS बन गए, 1 IAS है, 1 मैं हूँ जो जेल में। तो जब मैं जेल में आया तो मेरे पास सबसे बड़ा था कि मैं टेक्नोलॉजी का एडिक्ट हूँ सर, मैं टेक्नोलॉजी के बिना रह नहीं सकता था। मेरे पास जब मेरे को पुलिस ने पकड़ा था तो उस समय भी मेरे पास 3 फोन थे, 4 डोंगल थे। दिस इज अबाउट 2010, जब लोगों के पास एंड्रॉयड फोन तो लोगों ने मतलब सुने भी नहीं थे। तो मैं उस समय ऐसा था, तो मेरे पास फोन नहीं था, कुछ नहीं था, जेल में आ गया, सब खत्म। मैं संभाल नहीं पा रहा था अपने आप को, करूँ क्या क्या नहीं करूँ। मतलब लोग दिलासा देते हैं कि भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो, सर एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू मूव ऑन, बट मूव ऑन होता नहीं है ना। मतलब आपको रोना आता है, आप रोते हो, मतलब समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करो। वही चला फेस, बहुत बुरा फेस चला। धीरे धीरे गिल्ट भी आती है, सब आता है, पर आप गिल्ट फील करके ना कुछ नहीं कर सकते। जैसे कई बार लोग वर्ड्स यूज करते हैं ना कि मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के, तो वही है कि शब्द बयां ना कर पाना इस चीज की कैपेबिलिटी नहीं शो करता है कि आपके पास फीलिंग्स नहीं है, बस उसके लिए वो वर्ड डिफाइंड नहीं है, ये वो चीज को शो करता है। तो मेरे अंदर गिल्ट है, इसको मैं शो कैसे करूं? और गिल्ट है भी तो मैं चेंज नहीं कर सकता ट्रैक ऑफ इवेंट्स को। आई कैन नॉट ब्रिंग अ लाइफ बैक, आई एम कनेक्टेड फॉर इन केस ऑफ मर्डर, आई कैन नॉट ब्रिंग दैट लाइफ बैक, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। तो एक समय हार गया था, बुरी तरह से हार गया था, मतलब हार ही गया था। हाँ, तो फिर सजा हो गई। मतलब देखिए, वकील आपका कहता है आपको बचा लेगा, ठीक है, हर आदमी कहता है कि आपको बचा लेगा, आप भी जानते हैं कि आपने सजा की है, पर आप चाहते हो कि आपको उसकी सजा की सजा गलती सजा ना मिले। आदमी मंदिर में जाके पूजा करवाता है कि उसको गलती सजा ना मिले, तो मैं भी नहीं चाहता था कि मेरे को सजा मिले, भला ही मैंने गलती की है, पर मैं सजा ही चाहता था कि यार मेरा ठीक है हो गया। और मैं ये भी चाहता था कि मैं चेंज करूं, पर क्या चेंज पता नहीं, जब कन्विक्शन हो गया तो और ही टूट गया। पर हाँ, एक चीज है कि मूवीज में जो दिखता है उस तरह का जेल स्टाफ नहीं था हिमाचल प्रिजंस का। पता नहीं क्यों सिंपैथी थी लोगों की मेरे लिए, मतलब मैंने कई सारे सुपरिटेंडेंट जेल्स के साथ रहा, श्री सुशील सर, शीरचंद सर, प्रेम सिंह वर्मा सर, मतलब सबने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मतलब उनके मन में मेरे लिए एक फीलिंग थी सर, बिना फीलिंग के काम नहीं हो सकता ना, मतलब वो उनके मन में मेरे लिए एक फीलिंग थी। उसके बाद काम करना चालू किया तो ऑफिस में लगा रहता था, तो जब कंप्यूटर हाथ में वापस आया ना सर, मतलब 5 साल बाद मैंने वो जब QWERTY छुआ तो एक करंट दौड़ता है, वो दौड़ा मेरे मन में। उसके बाद शायद वो कहते हैं ना सर, डायलॉग है शाहरुख खान की मूवी का कि तुझे पाली की इतनी शिद्दत की है कि तुझे मिलने से तुझे मिलाने के लिए पूरी कायनात में साजिश की है। तो वही हुआ सर, मतलब गोयल सर गोल सर यहाँ पर आ गए, और ये इनका नेचर है कि उन्होंने पता नहीं कहाँ से जान लिया कि हाँ एक IITian है जो कंडा जेल में है, और उन्होंने ट्रस्ट किया मेरे पे कि काम करो। उन्होंने आके बोला कारा बाजार
तो इतना वो नहीं था पर मैंने किया अच्छे से. और सबसे अच्छी बात है कि सर ट्रस्ट करते हैं और सर बोलते हैं मतलब कि ये कर ये कर ये कर. तो सर जब आपसे कोई एक्सपेक्ट करता है ना तो आपका और करने का मन करता है. कोई आपसे एक्सपेक्टेशन देखिए सर मेरी अपने से एक्सपेक्टेशन तो चली गई थी, नहीं होती, आप खत्म हो जाते हैं, है ना. मेरी गलती की वजह से मैं खत्म हुआ हूँ मैं जानता हूँ, पर कोई खत्म होना थोड़ी चाहता है. उसके बाद एक चीज मैंने इसी बीच रियलाइज की काम करते करते कि अगर मैं सही में अपने आप को रिपेंटेंस है मेरे मन में तो मुझे काम करना पड़ेगा फॉर द सोसाइटी फॉर एवरीवन, है ना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर माई सेल्फ. मुझे काम करना पड़ेगा. मैंने काम किया उसके बाद बीच में ओपन हो गया. अभी मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ और वहाँ पे मतलब मेडिकल और आईआईटी के लिए बच्चों को पढ़ाता हूँ. अभी पिछले साल मेरे 6 बच्चों का मतलब मेरी एकदम अच्छी रैंक से हुआ. उसमें से एक बच्ची थी निशा, शी बिलोंग टू अ वेरी रिमोट प्लेस फ्रॉम कुल्लू, बहुत रिमोट प्लेस से है. और उसके मतलब कुछ भी भाप आप चलना भी सर मतलब रोड से उतर के भी 3 घंटे चलना पड़ता है तो उसका गांव आता है. मुझे याद है कि वो उसको इंग्लिश के कॉमन वर्ड्स की मीनिंग भी नहीं याद थी और वो मेरे पास आके बैठती थी और वो डाउट पूछती थी. कभी कभी इरिटेशन में हो जाता था कभी कि आप सिंपल चीज़ों पे आप वो कर रहे होते हैं. पर जब उसने निकाला नीट और OIG मतलब पढ़ रही है IGMC में तो मतलब MBBS शुरू कर दिया उसने तो सर दिल खुश हो जाता है वो भी. और सर मालूम है एक डर से रिस्पेक्ट होती है ना. मैं ऐसे रोड पे जा रहा था मॉल पे और 2 बच्चों खड़े होके उन्होंने मेरे को जब गुड मॉर्निंग किया या गुड इवनिंग जो भी किया सर तो वो फील हुआ सर कि ये चीज ही मैं चाह रहा था जो मुझे नहीं मिल रही थी, है ना. As far as my repentance is considered, I want to do in this sector only ki education mein aur bahut sare ideas hain mere paas to main chahta hu aur guidance hai apne mere mentor bata apna hi manta hu sir ki ye mere ko guide karte rahenge to main bahut cheeze aage karta rahunga. Jaise abhi maine ek internet of things pe wireless technology aur us pe kaam shuru kiya, theek hai, seekh raha hu, I don't know completely taki isliye hum ट्रैकिंग कर सके अपने ऑब्जेक्ट्स की और कि कहाँ जा रहा है क्या नहीं जा रहा. और अभी मैं आज पहली बार प्लान बोला पूछा नहीं मतलब मन में है कर रहा हूँ. बाकी जैसे हमारा NIC और कई सारे सॉफ्टवेयर्स अपने जेल मैनेजमेंट के लगे हुए हैं. मैंने इनमें चीज़ देखी है सर जो भी है NIC और जो भी ये सॉफ्टवेयर्स हैं ये एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन बनते हैं सर कि ऐसा ऐसा कर दो. जो सर इसको फील्ड में यूज करता है सर यूजर फ्रेंडली नहीं है सर. एक टर्म है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट. जो अमेजन या फ्लिपकार्ट की साइट बनाती हैं ये यूजर के नजरिए की साइट बनाती हैं. तो जेल मैनेजमेंट अगर करना है तो हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए वो यूजर जो वॉटर है उसके लिए फ्रेंडली होने चाहिए. मतलब एक स्टोरी होनी चाहिए. तो आई एम वर्किंग ऑन दैट बट अभी उतना हुआ नहीं है. बट आई रिक्वेस्ट किया सर सब लोग सोचे ऐसा तो कर सकते हैं. I know this is not the correct portal for this. मैं तो थैंक यू करना चाहती हूँ सर को कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ कि आप लोगों के बीच में हूँ. पहले जब मैं अंडर ट्रायल टाइम में थी तभी हिसाब से मैं फर्स्ट टाइम मिली थी. उस टाइम डी साहब ने मुझसे पूछा था कि तुम क्या करते हो तो मैंने इन्हें बताया कि ड्राइंग मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ. सर ने मुझे कहा कि आपकी ड्राइंग का जो भी होगा हमें भेजो. उसके बाद 2 साल पहले अभी 2016 में आफ्टर कन्विक्शन में यहाँ सेंट्रल जेल में आई और सेंट्रल जेल में मैंने देखा कि मैक्सिमम जितनी भी महिलाएँ हैं वो सिर्फ नीटिंग का काम ही करती थी और कोई वहाँ पे ऐसे कोई उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी. उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाया गया और एशियन पेंट्स का भी उनको कोर्स करवाया गया और अभी हमारे खट्टी शाखा भी वहाँ चली है. वीविंग का काम होता है, ट्रेनिंग का काम भी हो रहा है और एज ए PLB मैं फर्स्ट शायद हिमाचल से फर्स्ट ऐसी लेडी हूँ जो मतलब PLB में इन्वॉल्व हूँ.
और महिलाओं के जितने भी अधिकार होते हैं उनके बारे में उनको जानकारी देती हूँ, उनके ऊपर कोई ऐसा अत्याचार हो या कुछ ऐसा लगे है कि उनको फैमिली से ऐसी कोई सपोर्ट मिलनी चाहिए तो मैं वो भी उनके लिए करती हूँ। और मैं डीजी साहब का थैंक्स कहना चाहती हूँ, उन्होंने 2 अक्टूबर को हमें कहा था कि महिलाओं को अब ओपन किया जाएगा और उस पर सारी महिलाओं के चेहरे पर जो खुशी थी, आंखों पर जो चमक थी, वो सिर्फ मैंने ही देखा है उनको, और इसके लिए मैं डीजी साहब का थैंक्स कहना चाहती हूँ। थैंक यू सर।